हेलो डिफेंस लवर, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज देखेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बात करना चाहता हूँ, आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल का जो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर, ताकि काफ़ी बच्चों को हेल्प मिल सके। अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नेम है सक्सेस अपडेट। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सीएम ऐप लॉन्च किया गया? सीएम ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। यह क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि जो लोग होते हैं वो आसानी से किसी सीएम के पास अपना संदेश भेज सके। ठीक है, आपका फर्स्ट का सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल ब्रा आयोजित किया जाएगा? किस देश के बीच? तो ओमान, ओमान देश के बीच, ये भारत और ओमान देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल ब्रा आयोजित किया जाएगा। और ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में किसके ऊपर लिखी गई पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन किया गया है? हाल ही में किसके ऊपर लिखी गई पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन किया गया है? किस पर? नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन किया। क्वेश्चन नंबर 3 का सी नंबर सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसका विमोचन किसने किया? इसका विमोचन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इसका विमोचन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन की आयोजित की जाएगी? किस राज्य में आयोजित की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कहाँ चौथा बक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल शुरू किया गया? हाल ही में कहाँ बक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल शुरू है, कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल शुरू किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में एनएसओ ने 2019-20 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया? तो 5%। 5%, ठीक है, 5% लगाने का अनुमान लगाया। एनओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस। ठीक है, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही आंसर बी हो जाएगा, 5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने किस देश में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया है? हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने किस देश में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया है? बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में आयोजित किया है कला प्रदर्शनी का आयोजन। ठीक है, बांग्लादेश का करेंसी क्या है? बांग्लादेश का करेंसी क्या है? बांग्लादेश का करेंसी टका है, टका है। ठीक है, बांग्लादेश का राजधानी क्या है? बांग्लादेश का कैपिटल आपका ढाका हो गया। ठीक है, ढाका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में शुरू हुआ है। अहमदाबाद के कहाँ? साबरमती नदी के तट पे। साबरमती नदी के तट पे ये शुरू हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने 5 साल वैधता वाली मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा को मंजूरी दी है? किस देश ने? यूएई ने। यूएई ने, ठीक है, यूएई ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में रोगी देखभाल के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा राज्य शीर्ष पर है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से। जम्मू कश्मीर रहा है, जम्मू कश्मीर रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर रहा है। ठीक है, जो हाल ही में रोगी देखभाल के शीर्ष में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एक बात और करना चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर डेनियल डी लॉसी ने संन्यास की घोषणा की है? किस देश की फुटबॉल डेनियल डीसी ने संन्यास की घोषणा की है? किस देश की?
इटली, इटली के किस देश के फुटबॉलर डेनियल डी सिन्हा रोशन संन्यास की घोषणा की? इटली के फुटबॉलर ने कि किसकी इटली कौन सा देश? इटली की फुटबॉलर, ठीक है, इटली की फुटबॉलर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसैनिक पहला महा नेवी कलेक्ट 2020 कहाँ शुरू किया है? कहाँ शुरू किया है? मुंबई में शुरू किया है, मुंबई में शुरू किया है, ठीक है। पहला नेवी कनेक्ट 2020 कहाँ शुरू किया? मुंबई में। यहाँ से क्वेश्चन आता है, नेवी का एडमिरल अभी कौन है? वर्तमान में इंडियन नेवी का, भारतीय नौसेना का एडमिरल कौन है? करमबीर सिंह है। कौन? करमबीर सिंह है, ठीक है, करमबीर सिंह है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।